जेई में आज का क्वेश्चन है 6 अप्रैल का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन कह रहा है 5 times f(x) + 4 times f(1/x) = 1/x + 3 18 times integral 1 to 2 f(x) dx = देखो जेई एडवांस में बहुत फेमस को ये आ रखा है एलसीटी का क्वेश्चन करोगे तो इसमें सिंपल सा क्या है x को 1/x से रिप्लेस करना है तो बहुत मतलब कन्वेंशनल तरीके से हम करेंगे 4 f(x) = x + 3 कर लिए। अब देखो जो f(1/x) है उसको एलिमिनेट करने के लिए करते हैं तो क्या करें इसको माइनस फोर से मल्टीप्लाई करें उसको प्लस फाइव से मल्टीप्लाई करें तो इसको माइनस फोर से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया -16 f(x) - 4x - 12 ये हो गया और उसको किए 5 से उसको कितना करना है 5 से हाँ तो 25 f(x) + 20 f(1/x) = 5x + 15 इसको क्या करो ऐड कर लो ये हो गया ऐसे ठीक है तो ये 25 - 16 9 f(x) = 5x - 4x + 3 ये देखो 9 f(x) आपसे क्या पूछ रहा है 18 f(x) तो टू से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 x - 8x + 6 बनेगा उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा -10 x का क्या हो जाएगा 10 ln x -8x का क्या हो जाएगा -4x² +6 का क्या हो जाएगा +6x सब्स्टिट्यूट कर दो लिमिट दिस इंप्लाइज ये ln x है तो 10 ln 2 - 16 + 12 - 10 ये किया तो ln 0 ये किया तो +4 - 6 दिस इंप्लाइज गेट 2 10 ln 2 - इसे किया तो कितना देखो 16 6 22 22 - 10 ln 2 - 6 तो इसका आंसर क्या होगा 10 ln 2 - 6 ये था बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन था ठीक है x को 1/x से रिप्लेस करना और फाइनली इस कदर फंक्शन को लिखना है।